बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ना, ये क्या चीज़ है। आज हम इसके बारे में जाएंगे। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक स्पीकर जो है ना, वो बातें कर रहा होता है और उसके साथ जो है ना दूसरे शख्स में मौजूद होता है, पर वो उसकी बातों में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। यानी सिर्फ एक स्पीकर जो है ना, वो सिर्फ बोल रहा होता है और दूसरा जो शख्स होता है वो सिर्फ उनको सुन रहा होता है। पर इस करें ये एक शख्स है और ये दूसरा शख्स है। परस्कर ये शख्स जो है ना, ये बातें कर रहा है और ये शख्स जो है ना, ये बिल्कुल उसकी सिर्फ उनकी बातों को जो है ना सुन रहा है, उसकी बातों में जो है ना पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सुन रहा है, सिर्फ ये सुन रहा है। तो इस तरह के पोइम्स को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग के पोइम्स की मिसालें हैं, इनमें से एक का नाम है यूलिसिस। यूलिसिस एक पोएम है और इसके साथ दूसरा माय लास्ट डचेस, ये भी एक पोएम है। माय लास्ट डचेस ये भी इस तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला पोएम है, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें ये है कि वो डक अप पेरारा, वो बातें कर रहा होता है और दूसरे जो मैरिज ब्रोकर उसके पास आ गया होता है, तो वो सिर्फ उनकी बातों को सुन रहा है, उनकी बातों में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। यूलिसिस जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, और ये जो है ना रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं।